Today we are going to discuss about the phylum Platyhelminths. अब Platyhelminths दो वर्ड से आया है. Platy का मतलब होता है flat और helminths का मतलब होता है worm. और study of worm को क्या कहते हैं? Helminthology. तो ये flat worm है. और इन्हें flat worm क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास जो dorsal surface होता है वो भी flat होता है और ventral surface वो भी flat होता है. तो इनकी dorso ventrally flattened body होती है. Dorso ventrally flattened body, ठीक है जी. इनकी dorso ventrally flattened body होती है. अब next important thing हमें जानने की जरूरत है कि इनकी habit और habitat क्या है. Aquatic भी, terrestrial भी हो सकते हैं. ये free living और parasitic भी हो सकते हैं. या तो ये खुद survive कर सकते हैं या फिर इन्हें कोई host चाहिए जिसके ऊपर ये survive कर सके. अब Platyhelminths की तीन class होती है. Turbularia, Trematoda और Cystoda. उनमें से दो क्लास पैरासिटिक होती है और एक क्लास फ्री लिविंग होती है. तो जो क्लास फ्री लिविंग होती है उसको कहते हैं टर्बुलेरिया और जो बाकी की दो क्लास होती है वो एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक होती है, जिनमें से एक का नाम है ट्रीमेटोडा और दूसरे का नाम है सिस्टोडा. ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा. अगर मैं टर्बुलेरिया की बात करूं तो टर्बुलेरिया में एग्जांपल आपका आता है ड्यूगनेशिया. ड्यूगनेशिया मतलब आपका प्लेनेरिया. तो प्लेनेरिया ऐसा Platyhelminths है या टर्बुलेरियंस ऐसे Platyhelminths है जो फ्री लिविंग होते हैं. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टोडा और ट्रिमेटोडा के बारे में. अब जो ट्रिमेटोडा है उनको फ्लूक वर्म्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है. और जो सिस्टोडा होते हैं उनको हम टेप वॉर्म कहते हैं. टेप जैसे होते हैं, टेप वॉर्म. फ्लूक यानी कि ब्लड सकिंग पैरासाइट. ओके, अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर टेप वॉर्म के एग्जांपल देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल टेप वॉर्म का हमें याद आता है टेनिया सोलियम. तो टेप वॉर्म का एग्जाम्पल, टेप वॉर्म इज एन सिस्टोडा, उसका एग्जाम्पल जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद आता है वो है टेनिया सोलियम. अब ये टेनिया सोलियम डायजेनेटिक होती है. डायजेनेटिक का मतलब इट रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. तो इसमें दो होस्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है जी. तो इनके प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं? इनके प्राइमरी होस्ट होता है टेपवर्म का मैन और ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट होता है पिग, ठीक है जी. और जिससे जो ये डिजीज करता है उसको कहते हैं टेनियासिस, ठीक है जी. जो अनकुक्ड पोर खाते हैं, ठीक है, कच्चा सुअर का जो मांस होता है वो अच्छे से कुक्ड नहीं हुआ उसको खाते हैं तो उनको टेनियासिस होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर वो पोर इन्फेक्टेड है टेनिया से, ठीक है जी. अब हम बात करते हैं ट्रेमेटोडा के. ट्रेमेटोडा के एग्जाम्पल देख लीजिए. ट्रेमेटोडा का एग्जाम्पल हमें जो याद आ रहा है वो है स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम. स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम. अब स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम क्या होता है? स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम ब्लड फ्लूक होता है. ब्लड फ्लूक होता है. तो इसे भी, ये भी डायजेनेटिक होता है, इसे भी दो होस्ट चाहिए. तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, इसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन. और स्पेशली बात करूं ह्यूमन का यूरिनरी ब्लैडर. तो प्राइमरी होस्ट है इनका ह्यूमन और इनका सेकेंडरी होस्ट है स्नेल. एक एग्जांपल और आप याद रख सकते हैं ट्रेमेटोडा का, वो है फैसिओला हेपेटिका. फैसिओला हेपेटिका. अब ये फैसिओला हेपेटिका एक सिस्टोडा है यानी कि फ्लूक वॉर्म है. तो इसका भी प्राइमरी होस्ट जो होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है शिप और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल. ये एनसीईआरटी एग्जांपल है जो आपको याद रखना है. प्राइमरी होस्ट होता है शिप और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल. काफी बार पूछा जा चुका है. ये हो गए पैरासिटिक और फ्री लिविंग के बारे में. अब हम पढ़ते हैं ट्रिबुलोप्लास्टिक. ट्रिबुलोप्लास्टिक फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू Platyhelminths आर द फर्स्ट ट्रिबुलोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैविंग बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है जी, ये फर्स्ट ट्रिबुलोप्लास्टिक होते हैं और पहली बार इनमें बायलेटरल सिमेट्री
डेवलप होती है। अब ट्रिब्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है, इनके पास थ्री जर्म लेयर है, जर्म लेयर जिनसे सारे ऑर्गन्स बनेंगे। तो इनकी थ्री जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, सबसे पहले है एपिडर्मिस, फिर है इनके पास एंडोडर्मिस, और इन दोनों के बीच में अब डेवलप हो जाती है मेसोडर्मिस या मेसोडर्म कह सकते हो सिंपल, एपिडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ओके, इतनी बात हमको समझ में आ रही है। अब हम बात करें इनका जो एपिडर्म है, उन एपिडर्म में स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्लेनेरिया के। प्लेनेरिया क्या है, एक टर्बुलेरिया है, उन स्पेशल स्ट्रक्चर को कहते हैं रेबडाइटिस। अभी रेबडाइटिस क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये रेबडाइटिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम होता है फूड का कैप्चर करना और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो आप याद रखना, प्लेनेरिया में जो कि एक टर्बुलेरिया फ्री लिविंग फॉर्म ऑफ प्लैटीहेलमिंथ्स है, उसके एपिडर्मिस में रेबडाइटिस पाए जाते हैं। दीज आर द रॉड लाइक स्लाइमी स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन अभी तक प्रॉपरली पता नहीं है, पर फिर भी माना जाता है फूड कैप्चर और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब मेसोडर्म में देखिए, मेसोडर्म में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जिनको मेसेनकाइम कहते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी आपने फाइलम पढ़े हैं उनमें मेसोगिलिया देखिए, यहाँ पे पहली बार मेसोडर्म डेवलप हुई है, तो इसमें मेसेनकाइमल टिश्यू पाए जाते हैं जिनको आप पैरेनकाइमल टिश्यू भी कह सकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करती है, इनका पैकेजिंग का काम होता है। अब ये पैरेनकाइमल टिश्यू जो पाया जाता है पूरी बॉडी ऑफ प्लैटीहेलमिंथ्स में, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, वो फ्लूइड फिल्ड पैरेनकाइमल टिश्यू, वो फ्लूइड फिल्ड पैरेनकाइमल टिश्यू आपका स्केलेटन बनाता है प्लैटीहेलमिंथ्स का, जिसको कहते हैं हाइड्रोलिक स्केलेटन। हाइड्रोलिक स्केलेटन बनाता है प्लैटीहेलमिंथ्स में। नाउ नेक्स्ट, प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो मींस कितनी बार हमने पढ़ा है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, तो इनमें जो फर्स्ट डेवलप होता है माउथ डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है इनमें फर्स्ट, माउथ डेवलप होता है। तो अगर डाइजेशन की बात करें, इनके पास बस माउथ डेवलप है और सबसे पहले भी माउथ डेवलप ही हुआ है, तो खाली इनके पास माउथ प्रेजेंट है और एनस एब्सेंट है। तो देखिए, एनस क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इन्हें प्रोटोस्टोम कह देते हैं। इसकी वजह से इनके पास एक ही ओपनिंग है जिससे फूड क्या हो रहा है, ये आपके फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल उसी ओपनिंग से अंदर जा रहे हैं और एक्सक्रीटरी मटीरियल और जो वेस्ट है वो उसी ओपनिंग से बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह देते हैं, इस तरीके के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम कह देते हैं ब्लाइंड सैक प्लान, यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर और एक एंड इसका क्या है, ब्लाइंड है, यानी कि इसमें खाली माउथ है। अगर इसमें खाली माउथ है और एनस नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके पास एलिमेंट्री कैनाल है या नहीं है। एक एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जिसमें माउथ होता है और एक एनस होता है एंडिंग में, तो इनके पास एलिमेंट्री कैनाल भी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। नाउ एसिलोमेट, इनके पास मेसोडर्म पाई जाती है, फिर भी ये इनके पास जो मेसोडर्म पाए जाने के बाद भी वो मेसोडर्म कैविटी को लाइन नहीं करती, ठीक है जी, और इनके पास कैविटी एब्सेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, इसकी वजह से इन्हें एसिलोमेट कहते हैं, ठीक है जी, एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी एंड द गट वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे रेबडाइटिस इंपॉर्टेंट फीचर था, वैसे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, फ्लेम सेल, जिन्हें सोलोनोसाइट्स, जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। अब ये फ्लेम सेल का क्या, एक्सक्रीशन में काम है, पर उससे पहले इन्हें फ्लेम सेल कहते क्यों है, जैसे कैंडल की फ्लेम फ्लिकर करती है, वैसी फ्लेम सेल में जो सीलिया होते हैं उनका भी मूवमेंट कैंडल की फ्लेम जैसा होता है, इसलिए इन्हें फ्लेम सेल कहा जाता है।
अब इनका मेन काम एक्सक्रीशन ना होके मेन काम इनका ऑस्मो रेगुलेशन है, तो दे परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब कंसेंट्रेशन को बैलेंस करते हैं ऑस्मोसिस करके सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट की, तो ऑस्मो रेगुलेशन ज्यादा फंक्शन है इनका और एक्सक्रीशन लेस है। तो मेन फंक्शन अगर हमसे पूछे क्या है इसका, इसका मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, इट परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन ग्रेटर देन एक्सक्रीशन। अब देखिए इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है जी, यानी कि कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, पर अगर हम टेवर्म की बात करें उसमें सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी स्यूडो सेगमेंटेड होती हैं, ठीक है जी, इनकम्प्लीट सेगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है जी, तो इनके पास इनकम्प्लीट सेगमेंट मिलता है टेवर्म के पास, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्यूडो सेगमेंटेड, और बाकी सब क्या रहते हैं, अनसेगमेंटेड। अभी अभी डिस्कस कर लिया हमने ब्लाइंड सैक प्लान और एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। अब मसल्स की बात करें, इनके पास पहले क्या होता है, इनके पास क्यूटिकल रहती है, ठीक है जी, उसके नीचे अगर हम आए तो सर्कुलर मसल पाए जाती हैं सबसे पहले, फिर लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक मसल्स पाए जाती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब हम इनकी बात करें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लेनेरा की बात करें तो इनमें होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन भी कई तरीके के ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। और दूसरा एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये क्या कहते हैं, रीजनरेशन, किसी भी सेगमेंट को काट दो तो वो नई सेगमेंट बना लेगा, रीजनरेशन शो करते हैं, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मींस मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अगेन वही बात आ गई कि अगर मेल और फीमेल एक ही उसमें है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए ना भैया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है, ठीक है जी, इंटरनल हो रहा है बात समझ में आ रही है, पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है, तो उसके लिए इन्होंने एक आउटब्रीडिंग डिवाइस अपनाया है जिसको कहते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री मींस, प्रोटो मींस फर्स्ट, एंड्री मींस मेल, तो इनमें मेल पहले डेवलप हो जाता है, डेवलप फर्स्ट, फिर उसके बाद फीमेल डेवलप हो जाती है, तो यानी कि मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं, फीमेल बाद में डेवलप होती है और फीमेल किसी और प्लैटीहेलमिंथ के गैमेट को रिसीव करती है, ठीक है जी, इससे होमोजाइगोसिटी प्रिवेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। देखिए मैं क्लासेस के एग्जांपल से आपको बताता हूं कि क्लासेस कौन कौन सी थी, एक थी टर्बुलेरिया, एक थी ट्रिमिटोडा, एक थी ट्रीमेटोडा, ट्रीमेटोडा, एक थी सिस्टोडा। तो अगर मैं टर्बुलेरिया की बात करूं जिसमें प्लेनेरिया आ रहा है, वो जनरली क्या शो करता है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, पर कुछ प्लेनेरिया है जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो कर सकते हैं। अब ये दोनों के दोनों कैसी डेवलपमेंट शो करते हैं, ये ज्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, ठीक है जी। अब ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं तो डायरेक्ट डेवलप हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होती है, लार्वल स्टेजेस। तो अगर टर्बुलेरिया यानी कि कुछ प्लेनेरिया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं तो उनमें जो लार्वा पाया जाता है उसको मिलर्स लार्वा कहते हैं, ठीक है जी, मिलर्स लार्वा। और अगर ट्रिमेटोडा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है, ट्रिमेटोडा क्या होता है याद करिए, ट्रिमेटोडा होते हैं फ्लूक वॉर्म, तो अगर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है तो हमें क्या क्या पाया जाता है, इनमें लार्वा पाया जाता है मिरासीडियम लार्वा, जो सीलिएटेड लार्वा देखा जाता है, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट जब इनकी सीलिया लॉस्ट हो जाते हैं, फिर रेडिया बाइफर्केटेड टेल हो जाती है, रेडिया पाया जाता है, इनमें सिरकेरिया लार्वा पाया जाता है, सिरकेरिया, और इनमें मेटा सिरकेरिया पाया जाता है। तो मेरा सीडियम स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, स्पोरोसिस्ट रेडिया, रेडिया सिरकेरिया, और सिरकेरिया मेटा सिरकेरिया। अगर सिस्टोडा की बात करें जिसमें टीनिया सोलियम एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो उनमें जो लार्वा पाए जाते हैं वो होते हैं हेक्सेंट,
हेक्साकेंथ, ठीक है जी, ऑनको फोर और हेक्सेंथ पाए जाते हैं इनमें, इनमें ऑनकोफोर लार्वा पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करें प्लैटीहेल्मिंथ्स में ऐसे क्या क्या स्पेशल फीचर हैं जो डेवलप हो चुके हैं, जो इसे बाकी सब फाइलम से अलग बनाता है, तो वो हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है सेफेलाइजेशन। सेफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो दीज आर द फर्स्ट फाइलम जिनमें हेड की डेवलपमेंट होती है, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट हेड देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इनके पास प्लेनेरिया के पास टेंगो रिसेप्टर होते हैं, दैट हेल्प इन टच रिसेप्टर जिन्हें कहते हैं, कीमो रिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू केमिकल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर जिन्हें कहते हैं रिहो रिसेप्टर, जो एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है जी। रिहो रिसेप्टर होते हैं वाटर करंट को सेंस करते हैं, ठीक है, और स्विमिंग में हेल्प करवाते हैं। तो ये सब हो गया इनके रिसेप्टर के बारे में। अगर हम नर्वस सिस्टम पढ़े तो इनके नर्वस सिस्टम में देखिए, इनके पास ब्रेन होता है, इनके पास ब्रेन होता है, ठीक है जी, जिसे हम कह देते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया। अब इन सेरिब्रल गैंग्लिया से दो नर्व कोड अराइज होते हैं, ठीक है जी, जिन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड। तो ये क्या है आपकी, ये है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड। तो आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड देखने को मिलता है, और ये भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड। अब जो ये दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं कमीशर्स के द्वारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और इनके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, आप हेड देख सकते हो, यहाँ पे आप टेल भी देख सकते हैं। जो इनका नर्वस सिस्टम है कैसा लग रहा है आपको, लैडर लाइक लग रहा है, सीढ़ियों जैसा लग रहा है। तो इनके पास लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें फोटो सेंसिटिव सेल देखे जाते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल, ठीक है जी, जो छोटे से इनमें आई स्पॉट दिखाई देते हैं, और ये खाली किस में दिखाई देते हैं, प्लेनेरिया में। देखिए, अगर कोई पैरासिटिक है तो वो किसी और की बॉडी में जा रहा है, तो उसके पास सेंसिटिव ऑर्गन सबसे कम होने चाहिए। अब सिस्टोडा ट्रेमेटोडा के पास आई स्पॉट कुछ नहीं रहता, क्योंकि जितने सेंसिटिव ऑर्गन होंगे ऑर्गेनिज्म को डैमेज उतना ही ज्यादा होगा। पर अगर प्लेनेरिया की बात करें, वो फ्री लिविंग है, तो उसके पास आई स्पॉट डेवलप होते हैं। ये बात भी हमको समझ में आ गई है, ओके। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।